प्रदीप कुमार जेना हेले नुआ मुख्य शासन सचिव वर्तमान मुख्य शासन सचिव सुरेश महापात्र स्थान नेबे प्रदीप 28 तारीख में सुरेश महापात्र कार्यकाल सरुवा बेले स्थान में प्रदीप जेना नुआ दायित्व दि जाएगी 1998 मसीह आईएएस प्रदीप एसआरसी भाव कार्य करे वर्तमान बड़ खबर प्रदीप कुमार जेना हे नुआ मुख्य शासन सचिव वर्तमान मुख्य शासन सचिव सुरेश महापात्र स्थान नेबे प्रदीप 28 तारीख में सुरेश महापात्र कार्यकाल सरुवा बेले स्थान में प्रदीप जेना नुआ दायित्व दि जाएगी 1998 मसीह आईएएस प्रदीप एसआरसी भाव वर्तमान कार्य करुथिले तेबे वर्तमान बड़ खबर प्रदीप कुमार जेना हेबे नुआ मुख्य शासन सचिव वर्तमान मुख्य शासन सचिव सुरेश महापात्र स्थान नेबे प्रदीप 28 तारीख में सुरेश महापात्र कार्यकाल सरुवा बेले स्थान में प्रदीप जेना नुआ दायित्व दि जाएगी तेरे 1998 मसीह आईएएस प्रदीप वर्तमान एसआरसी भाव कार्य करुले तेरे वर्तमान बड़ खबर प्रदीप जेना नुआ मुख्य शासन सचिव भाव दायित्व दि जाएगी से सुरेश महापात्र स्थान ने तेरे 1998 मसीह आईएएस प्रदीप एसआरसी भाव कार्य करुले तेरे नुआ दायित्व दी जोटी से सुरेश महापात्र स्थान ने वर्तमान बड़ खबर नुआ मुख्य शासन सचिव ना घोषणा होती मुख्य शासन सचिव सुरेश महापात्र स्थान ने प्रदीप जेना 28 तारीख में सुरेश महापात्र कार्यकाल सरुवा बेले स्थान में प्रदीप जेना नुआ दायित्व दि जाएगी तेरे प्रदीप जेना हो 1998 मसीह आईएएस जी वर्तमान एसआरसी भाव कार्य करुले तेरे वर्तमान मुख्य शासन सचिव सुरेश महापात्र कार्यकाल 28 तारीख में जितेबाला सरुची ता पूर्व आज प्रदीप जेना नुआ मुख्य शासन सचिव भाव घोषणा कर राज्य सरकार वर्तमान मुख्य शासन सचिव सुरेश महापात्र स्थान ने तेरे 1998 मसीह आयस हो प्रदीप जेना से वर्तमान एसआरसी भाव कार्यरत थे तेरे जो प्रश्न उठुला सुरेश महापात्र परे किए मुख्य शासन सचिव अभाव तार अंत घटी राज्य सरकार वर्तमान प्रदीप जेना घोषणा करवर्ती मुख्य शासन सचिव हेबे प्रदीप जेना तेरे संपर्क में अधिक सूचनापी आम सहित जोड़ आम प्रतिनिधि दिव्यज्योति महांती दिव्य जितेबले जो प्रश्न थिला कि सुरेश महापात्र परे किए मुख्य शासन सचिव हेबे तेरे राज्य सरकार वर्तमान घोषणा कर प्रदीप जेना सामना को आ देखु निश्चित भाव जो कथा पूर्व चर्चा आलोचना होता जे राज्यर परवर्ती मुख्य शासन सचिव किए हे ताकि दीर्घ बर्षे हम चर्चा आलोचना चलता कारण बर्षे तलु मुख्य शासन सचिव कार्यकाल सरी कि सत्वे सुरेश महापात्र जी वर्तमान मुख्य शासन सचिव रही कार्यकाल को प्राय छमास दुई थर राज्य सरकार वृद्धि करते कार्यकाल शेष हबार फेब्रुआरी लास्ट को शेष हबार वर्तमान राज्य सरकार निष्पत्ति नहीं प्रदीप जेना जी वर्तमान उन्नयन कमिशनर रही अर्थात स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर रही परवर्त मुख्य शासन सचिव करेंगे आज विधिवत विज्ञप्ति बाहरी निहती भाव में जो चर्चा रही तार तो अंत घटी सहित राज्यर परवर्त मुख्य शासन सचिव होती प्रदीप जेना एक स्पष्ट एवं प्रदीप जेना आगे अनेक चैलेंज रनेक आह्वान र कहीं आप देखु ये हूँ निर्वाचन वर्ष अनेक गुड़े आह्वान सरकार का अनेक गुड़े योजना सरकार आने परिकल्पना करती सरकार को योजना को प्रणयन करो सब पूर्व योजना गुड़िक रही फ्लैगशिप स्कीम गुड़िक रही सेगुड़िक कि ठीक से त्वरावित हे और सरकार जो सब प्रतिश्रुति कारण जिते सरकार 2019 निर्वाचन जीति निर्वाचन जीता पूर्व अनेक गुड़े प्रतिश्रुति बीजेडी सरकार तो से सब जो प्रतिश्रुति को किभली पालन कराई किभली पालन करा कारण वर्ष शेष रही
ଲୋକଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ରହିବ ସରକାରଠୁ, ତ ତାକୁ କିଭଳି ପୂରଣ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସରକାରକୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କରିବା ଗୋଟିଏ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ 5G କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ଦିଗରେ 5G କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲ ପରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ 5G କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିଛି, ତ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ରୂପାନ୍ତରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଦୀପ ଜେନାଙ୍କ ଉପରେ ସରକାର ଭରସା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀରେ ଥିଲେ। ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ କି ଯେମିତି ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ତା ସହିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଦୀପ ଜେନାଙ୍କ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭରସା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।